येनेरिता प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामिते देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामुक गेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुक पटल के संवाहक संवर्धक संचालक पंडित श्री राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीगण, पंचदशी प्रकरण ग्रंथ का चित्रदीप प्रकरण छठवा प्रकरण चल रहा था। इस प्रकरण में चित्र दृष्टांत से चैतन्य के कूटस्थ आभास आदि रूप में निरूपण करने के बाद, तो चैतन्य अणु है, आत्मा अणु है कि मध्यम परिणाम है कि व्यापक है, इस विचार प्रसंग में श्रुति के प्रमाण को लेकर के कुछ आचार्यों ने अणु परिणाम बताया, कुछ आचार्यों ने इसको मध्यम परिणाम बताया। अब इस अणु परिणाम या मध्यम परिणाम का निराश करते हुए कह रहे हैं कि यदि पूर्व में ही कहा था, यदि मध्यम परिणाम आत्मा को मानेंगे तो सांस होगा तो घटवत नाश होगा, नाशील होगा, इसलिए इस आत्मा को मध्यम परिणाम नहीं कह सकते हैं, अणु परिणाम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा को व्यापक कहा गया है, उसी को लिख रहे हैं। तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः आकाशवत् सर्वगतो निरंशः श्रुति सम्मतः। तस्मात् यदि आत्मा मध्यम परिणामः स्यात् तदा घटवत् नाशशीलः स्यात्, यदि च अणुपरिणाम आत्मा स्यात् तदा परिच्छिन्नः स्यात्, आत्मा देशकाल वस्त्वादिना अपरिच्छिन्नः व्यापकः आकाशवत् श्रुतिषु कथितः। यदि मध्यम परिणाम आत्मा को मानेंगे तो मध्यम परिणाम घटादि के समान नाशशील होगा, और यदि अनुपरिणाम मानेंगे तो उसकी व्यापकता का भंजन होगा, व्यापकता का निराश हो जाएगा। अतः तस्मात् आत्मा महानेव कारेण अनुपरिणाम मध्यम परिणामयोः निवृत्ति। एव कार्य से न तो मध्यम परिणाम है न तो अनुपरिणाम है, मध्यम परिणाम अनुपरिणाम दोनों की व्यावृत्ति एव कार्य से किया। नैव अणु नापि मध्यमः, न तो आत्मा अणु है और न तो आत्मा मध्यम है, न तो अनुपरिणाम है न तो मध्यम परिणाम है, क्योंकि आकाश व सर्वगतस्य नित्यः निष्कलम निष्क्रियम, ये श्रुतियों के द्वारा दोनों अणु परिणाम या मध्यम परिणाम दोनों का निराश हो जाता है। सर्वगतः व्यापकः, देशापरिच्छिन्नः आत्मा सर्वगतः इति पदेन उच्यते। देशापरिच्छिन्न आत्मा है क्योंकि सर्वगत कहा गया है, इसलिए
ना तो अणु परिणाम है और ना तो मध्यम परिणाम है। अणु परिणाम जो है वो देशावच्छिन्न होगा और आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अनंत का अर्थ अपरिच्छिन्न किया गया है। तो देश अपरिच्छिन्न, काल अपरिच्छिन्न और वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा कहा गया है श्रुति में। यदि अणु परिणाम होगा तो अणु परिणाम देशावच्छिन्न ही होगा, किसी देश में रहेगा किसी देश में नहीं रहेगा, देशावच्छिन्न होगा, आत्मा व्यापक नहीं होगा। मध्यम परिणाम रहेगा तब वो नित्य भी नहीं होगा, क्योंकि मध्यम परिणाम घटादि जिस प्रकार से अनित्य हैं उसी प्रकार से आत्मा अनित्य होगा। आत्मा अनित्य मध्यम परिणामित्वात् घटादिवत्, मध्यम परिणामी घटादि अनित्य हैं, आत्मा को भी यदि मध्यम परिणाम माना जाएगा तो अनित्य होगा। इसलिए आत्मा ना तो मध्यम परिणाम है न तो अणु परिणाम है। अणु परिणाम यद्यपि परमाणु की नित्यता स्वीकार करने वाले अपरिणाम माने पर आत्मा की अनित्यता का प्रसंग नहीं है, परंतु साक्षात श्रुति ही जिस आत्मा को व्यापक कहती है अपरिच्छिन्न कहती है उस आत्मा का अणु परिणाम नहीं माना जा सकता है। निरंशः निरंश पद से मध्यम परिणाम का साक्षात आकाश व सर्वगतस्य नित्यः इस अंश के द्वारा मध्यम परिणाम का निराश है, तथा निरंश कह देने पर जो है मध्यम परिणाम का निराश है। यह श्रुति सम्मत है जो हम कह रहे हैं कि आत्मा निरंश है, व्यापक है, मध्यम परिणाम अनुपरिणाम नहीं है। ये हमारा कथन श्रुति सम्मत है, क्योंकि श्रुति आकाश व सर्वगतस्य नित्यः गौणोपाद कारिका निष्कलम निष्क्रियम श्वेतापनिषद इत्यादि आगमों से आत्मा महान है, न तो अणु परिणाम है न तो मध्यम परिणाम है। इत्युक्त्वा तद विशेषे तु बहुधा कलहंययुः अचिद्रूपोथ चिद्रूपः चिदचिद्रूप इत्यपि। इस प्रकार से आत्मा न तो मध्यम परिणाम है न तो अणु परिणाम है, महान है, फिर भी तद विशेषे आत्मा का विभुत्व तो सिद्ध है, परंतु विभुत्व सिद्ध हो जाने पर भी आत्मा का विशेष रूप क्या है, इसमें भी कलहम यजहु आचार्यों का कलह है, परस्पर विवाद है। कुछ आचार्य दार्शनिक अचिद रूप आत्मा को मानते हैं, आत्मा जड़ रूप है, और कुछ आचार्य जो उत्तर मीमांसा वेदांत सिद्धांत है उसमें आत्मा को चिद रूप माना गया है। कुछ आचार्यों ने चिद अचिद रूप भी आत्मा को माना है। इस प्रकार से आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न दार्शनिकों का जो चिंतन है, भिन्न भिन्न दार्शनों का जो मत है, उस मत में विवाद है। कुछ दार्शनिकों ने आत्मा को चिद रूप स्वीकार किया, किस कुछ दार्शनिकों ने अचिद रूप स्वीकार किया, किन्हीं दार्शनिकों ने आत्मा को चिद अचिद रूप स्वीकार किया। अब इसके उत्तर में कौन से दार्शनिक हैं जो आत्मा को
अचिद रूप स्वीकार करते हैं उनको बता रहे हैं। प्रभाकराः तार्किकाश्च प्राहुर अस्य अचिदात्मताम् आकाशवत द्रव्यमात्मा शब्दवत तद्गुणश्चितिहि। कहा प्रभाकर, प्रभाकर मत के अनुयायी जो प्राभाकर हैं, प्रभाकर जो गुरु मत कहलाता है, मीमांसकों में प्रभाकर और भाट्य दो सिद्धांत हैं। तो पहले प्रभाकर जो कुमारभट्ट के शिष्य थे, उन्हीं के वैदिश्य को देख करके कुमारिल भट्ट ने ही गुरु की उपाधि उनको दिया था। तो गुरु मत भी कहते हैं, प्रभाकर मत भी कहते हैं, उन प्रभाकरों के मत के अनुयायी प्रभाकर लोग और तार्किक। तार्किक में न्याय और वैशेषिक दोनों को लेना होगा। न्यायिक और वैशेषिक ये दोनों दार्शनिकों ने और प्रभाकर ने आत्मा की अचिद रूपता स्वीकार किया है। आत्मा चिद रूप नहीं है, चित का अर्थ प्रकाश है। जो लोक में चित से चेतन ले लेते हैं, चेतन का दर्शन में अर्थ प्रकाश होता है। तो आत्मा अचिद रूप है अर्थात अप्रकाश रूप है, प्रकाश रूप आत्मा नहीं है। और दूसरी बात, नैयायिकों ने तो कहा कि आकाश के समान आत्मा द्रव्य है। आत्मा के आकाश का शब्द गुण है, विशेष गुण है, और आत्मा के विशेष नव गुण हैं। अतः वो आत्मा में समवाय संबंध से गुणों की उत्पत्ति होती है। अतः गुणवत्त्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्य का लक्षण है। गुणवत् गुण वाला हो अथवा समवायी कारण हो, आत्मा में समवाय संबंध से गुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिए समवायी कारण भी आत्मा है तथा गुणवत् भी आत्मा है। और गुणवत्व असमवायी कारणत्व यही द्रव्य का लक्षण है। अतः आत्मा नैयायिकों के मत में द्रव्य है। प्रभाकर भी इसी रूप में स्वीकार करता है। प्रभाकर के यहाँ भी आत्मा स्वयं स्वप्रकाश नहीं है। ज्ञान के काल में त्रिपुटी भाषण स्वीकार करता है, तीन स्थलों में प्रकाश होता है। घट का इंद्रिय सन्निकर्ष होने के बाद उत्तर काल में घट का विषय विधया कर्मतया प्रकाश होता है। आत्मा का ज्ञान आशयतया प्रकाश होता है तथा ज्ञान का स्वरूपतया प्रकाश होता है। तीनों का प्रकाश होने पर भी स्वयं स्वप्रकाश न तो ज्ञान है, न स्वयं स्वप्रकाश आत्मा है, न तो स्वयं स्वप्रकाश विषय है। तो आत्मा का ज्ञान आशयतया प्रकाश मानना ही ज्ञान जो है उनके यहाँ भी गुण होगा। गुण आशयतया आत्मा का प्रकाश होता है, आत्मा स्वयं स्वप्रकाश नहीं है। इसलिए आत्मा इनके मत में भी जड़ है, चिद रूप नहीं है, प्रकाश रूप नहीं है। तो जिस प्रकार से आकाश सर्वगत नित्य होने पर भी स्वप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा सर्वगत और नित्य होने पर भी स्वप्रकाश नहीं है। आकाश में केवल शब्द मात्र विशेष गुण है और इसमें आत्मा के
विशेष गुण बता रहे हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्मा धर्मौ सुखा सुखे तत्संस्काराश्च तस्येते गुणाः चितिवत ईरिताः। इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म सुख और दुख और संस्कार और कृति, नौ गुण आत्मा के हैं। नौ विशेष गुण वाला आत्मा सगुण है, द्रव्य है। समवाय संबंध से नौ विशेष गुणों की उत्पत्ति होती है, अतः समवायी कारणत्व भी आत्मा में है, गुणवत्व भी आत्मा में है। एते गुणाः चिति वद इति ऋताः, चिति वृत्ति चिति वत इति, चिति वर्तन्ते इति चिति वर्त चिति वत ऋताः कथिताः। ये जो गुण हैं, ये गुण नौ जो गुण हैं, ये चिति वद ईरिताः चिति के समान, प्रकाश के समान अथवा चितियात वृत्तितया इनको माना गया है। अतः इस प्रकार से आत्मा जो प्रथम वाक्य है, आकाशवद्रव्य द्रव्यमात्मा सद्वत्तद्गुणाश्चिति है, तो इससे ये निश्चय अनुमान का भी आकार कर सकते हैं, आत्मा द्रव्यम भवितुम अर्हति गुणवत्वात् आकाशवत। तो आत्मा को पक्ष बना करके द्रव्यत्व का साधन करें और गुणवत्व को हेतु बना लें, दृष्टांत जो है आकाश को ले लें। आकाश में गुणवत्व है और द्रव्यत्व है, अतः द्रव्यत्व की व्याप्ति गुणवत्व में गृहित हो गई, तो गुणत्व व्याप्य द्रव्यत्व, गुण द्रव्यत्व व्याप्य जो गुणत्व है वो आत्मा में भी है, इसलिए आत्मा गुण होगा। दूसरी बात, आत्मना पृथिव्यादिभ्यो भेद साधकम विशेष गुणम दर्शयति। दूसरी बात, विशेष गुण क्यों कहा? इच्छा द्वेष आदि में पहले विशेष गुणत्व साधन करते हैं, और विशेष गुणत्व साधन करने के बाद इच्छा दया अष्ट द्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रिताः विशेष गुणत्वात्, इस अनुमान के द्वारा अष्ट द्रव्यातिरिक्त आत्मा को का साधन करते हैं। आत्मा पृथिव्यादिभ्यो भिन्ने ज्ञान गुणत्वात्, आत्मा पृथ्वी से भिन्न है ज्ञान गुणवान होने के कारण, क्योंकि जो पृथ्वी भ्यो न भिद्यते न तद ज्ञान गुणकम न भवति यथा पृथिव्यादि। जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिश दिक और मन, ये पृथिव्यादि से भिन्न आत्मा है, क्योंकि जो पृथिव्यादि से भिन्न नहीं है वो ज्ञान गुण वाला नहीं है, आत्मा ज्ञान गुण वाला है। इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा और मन, ये आठ द्रव्यों से आत्मा का भेद भी सिद्ध होता है। इस प्रकार से आत्मा के नौ गुणों का निरूपण किया। अब आगे बता रहे हैं, आत्मनो मनसो योगे स्वादृष्ट वसतो गुणाः जायन्ते अथ प्रलीयन्ते सुसुप्ते दृष्ट संचया संक्षयात। कहा जो आत्मा के गुण हैं, तो आत्मा के गुण मन से योग होने के बाद, मन से संयोग होने पर ही आत्मा के जो गुण हैं अदृष्ट वशात उत्पन्न होते हैं। प्राणी के अदृष्ट वशात आत्मा के
जो इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म ये नौ गुणों की उत्पत्ति मन के संयोग से होती है। मन जो है परमाणु रूप मन का आत्मा से जब संयोग होता है, क्योंकि मूर्त द्रव्य है मन, मूर्त द्रव्य का विभु पदार्थ के साथ संयोग, विभु आत्मा के साथ जब संयोग होता है, संयोग होने पर स्वादृष्टवशात जो प्राणी है वो प्राणी के जो पूर्वकृत कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार, कर्मों के आदृष्टकारणतावशात गुण इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्मादि आत्मा के, सुख दुख आदि आत्मा के गुण उत्पन्न होते हैं। यावत काल अदृष्ट है तावत काल उन गुणों का उपभोग होने पर अदृष्ट समाप्ति उत्तर में आत्मा के गुणों का लय हो जाता है। इसलिए आत्मा के गुण जो हैं वो अनित्य हैं, परंतु आत्मा अनित्य उनके मत में भी नहीं है, क्योंकि नित्यानित्य पदा द्रव्यों को स्वीकार करने वाले जो नैयायिक हैं, तो पृथ्वी जल तेज वायु ये जो चार द्रव्य हैं, ये चार द्रव्यों के परमाणु नित्य हैं, और आकाश काल दिशा और मन तथा आत्मा ये नित्य द्रव्य हैं, इनका नाश नहीं होता। मन द्रव्य होते हुए भी परमाणु रूप है, आकाश द्रव्य होते हुए भी नित्य है, काल द्रव्य होते हुए भी नित्य है, आकाश और दिशा द्रव्य होते हुए भी नित्य है। अतः जो चार द्रव्य हैं, चार द्रव्यों में जो कार्य द्रव्य कार्य अंश है, जो परमाणु अंश है, वो कार्य द्रव्यों का भी परमाणु अंश नित्य है, परंतु जो कार्य अंश है उन कार्य अंशों का की अनित्यता है। अतः आकाश आत्मा तो नित्य है, परंतु आत्मा के गुण नित्य नहीं है। इसी प्रकार से विशेष गुण आकाश में विशेष सामान्य गुण तो दिशा और काल में भी रहते हैं, संयोग पृथक्त्वादि, परंतु विशेष गुण आकाश के अतिरिक्त किसी, आकाश और आत्मा दो ही नित्य द्रव्यों में होते हैं। तो आकाश का या आत्मा का विशेष गुण नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? क्योंकि अदृष्ट वसाद उत्पन्न होते हैं और अदृष्ट भोगोत्तर में उनका नाश होता है। दूसरी बात, जो भी उत्पन्नशाली है, जो जायमान है, वो विनाशशाली होता है। जब आत्मा के गुणों का मन के संयोग से उत्पत्ति है, तो आत्मा के गुणों को नश्वर भी मानना पड़ेगा। सुषुप्ते आदृष्ट संक्षयात, वही सुषुप्ति काल में आत्मा के ये जो गुण हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म सुख दुख आदि, उस काल में क्योंकि अदृष्ट का संक्षय हो जाता है, सुषुप्ति में जो भोग कारण अदृष्ट है, वो भोग कारण अदृष्ट का क्षय रहता है। अतः सुषुप्ति काल में आत्मा के इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि ये नव गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। वो जो सुषुप्ति काल का अदृष्ट है, वो सुषुप्ति कालीन सुख भोग के लिए है, और वो जो सुषुप्ति रूप सुख है, वो सुख आत्मा का गुण नहीं है, अपितु सुख स्वरूप आत्मरूपता है। सकल प्रपंच की निवृत्ति ही वहाँ पर सुख रूपता है, और वहाँ पर लौकिक सुखों के समान वो सुख नहीं है। इसलिए जो सुषुप्ति का सुख है, वो निरतिशय सुख माना जाता है। जो वृत्रिक सुख है, विषयादि सन्निकर्ष से जायमान जो सुख है, वो सुख अनित्य और अशाश्वत है,
इसलिए वो सातिशय है। परंतु सुषुप्ति का जो सुख है वो आत्मा आत्मा का गुण नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति काल में नैयायिकों के मत में मन पुरीतत्व नाडी में प्रविष्ट हो जाता है और किसी भी ज्ञान के लिए या आत्मा के गुण के लिए उत्पत्ति के लिए आत्मना संयोग के समान तुंग मना संयोग भी कारण होता है। उस काल में तुंग मना संयोग न होने के कारण सुषुप्ति काल में मन पुरीतन नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, अतः उस काल में तुक से संयोग आत्मा मन का न होने के कारण आत्मा के गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। वेदांत मत में सुषुप्ति काल में जो अंतःकरण है वो निष्परिणामी हो जाता है, उसका परिणाम नहीं होता, अंतःकरण की वृत्ति नहीं होती और जितने भी सुख दुख आदि हैं वो वृत्ति जन्य हैं। जब कोई वृत्ति ही नहीं होगी तो सुषुप्ति काल में इनके यहाँ भी आत्म विषयक सुख जो वैषयिक सुख है वो वैषयिक सुख की उत्पत्ति नहीं होती। परंतु सतः सोम तदा संपन्नो भवति, सत स्वरूप आनंद स्वरूप जो आत्मा है उस आत्मा की सन्निधान, क्योंकि अविद्या मात्र आवरण रहता है, अन्य वृत्तियाँ लीन रहती हैं, अतः सुषुप्ति काल में सुख होता है। वो सुख उस अविद्या वृत्ति का परिणाम है, सुखाकार वो अविद्या वृत्ति सुखाकार इसलिए होती है कि अविद्या के अन्य परिणाम जो दुख के कारण हैं वो उस समय पर नहीं होते, अपितु वो अविद्या जिस आत्मा में अध्यस्त है तदरूप सुख का में परिणत होती रहती है। अतः वो जो सुख है वो लौकिक सुख न हो करके सुषुप्ति कालीन सुख जो है वो वृत्तिक सुख न हो करके निरतिशय सुख माना जाता है। आगे चल करके पढ़ रहे हैं कि कैसे आत्मा चेतन है और कैसे आत्मा चेतन है। चित्तमत्वात् चेतनोऽयम् इच्छा द्वेष प्रयत्नवान् तस्मात् धर्माधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादि मत्वतः। आत्मनो चिद्रूपे कथम चेतनत्वाभिगमः। आत्मा यदि अचित रूप है तो चेतनत्व की प्रतीति कैसे आत्मा में होगी। जो आत्मा को अचिद रूप मानते हैं तो चिद रूपता आत्मा में कैसे होगी, उसके लिए लिख रहे हैं चितिमत्वात् चेतनः अयम् आत्मा इच्छा द्वेष प्रयत्नवान् स्यात् धर्माधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादि मत्वतः। आत्मा चेतन व्यवहार इसलिए होता है कि चितिमत्ता है। चितिमत्ता होने के कारण चिति क्या है, प्रकाश। यदि आप कहें कि आत्मा चेतन है फिर चितिमत्ता भी कहें, ये कैसे हो सकता है। तो चिति का अर्थ है प्रकाश। यतः न तो आत्मा प्रकाश है न तो ज्ञान प्रकाश है, परंतु समवाय संबंध से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रकाश हो जाता है। अवो प्रकाश यदि ज्ञान रूप है तब भी आत्मा में रहता है, और यदि विषय प्रकाश प्रकाशक्षम यदि ज्ञान यदि तो आत्मा न तो आत्मा स्वयं से प्रकाश है न्याय में, न तो ज्ञान स्वयं से प्रकाश है, परंतु ज्ञान के उदय हो जाने पर वस्तु का प्रकाश हो जाता है और वस्तु में विषय व्यवहार योग्यता हो जाती है।
अतः वो चितिमत्ता, वो प्रकाशवत्ता आत्मा की साक्षात न होने पर भी, ज्ञान की भी साक्षात न होने पर भी, परंतु वो प्रकाशवत्ता आत्मा में ही प्रतीत होती है, क्योंकि अहम जाने, मैं जान रहा हूँ, अमुम घटम अहम जानामि, इस घट को मैं जान रहा हूँ। तो ये जो प्रकाशवत्ता है वो प्रकाशवत्ता आत्मा में ही प्रतीत होती है, अतः आत्मा अयम आत्मा चेतनः चितिमत्वा, चितिमत्ता प्रकाशवत्ता होने के कारण आत्मा को चेतन व्यवहार होता है, न तो साक्षात चेतन। और इच्छा द्वेष प्रयत्नमान, इच्छा द्वेषस्य प्रयत्नस्य, इच्छा द्वेष प्रयत्नमान यह आत्मा, क्योंकि वो दूसरा स्वरूप कह रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि चेतन का अर्थ प्रकाश नहीं है, चेतन का अर्थ है इच्छाश्रय, द्वेषाश्रय और प्रयत्नाश्रय। प्रयत्न चेतन का धर्म है, इच्छा चेतन का धर्म है और द्वेष जो है चेतन का धर्म है। जो जड़ पदार्थ प्रस्तर आदि हैं, न उनमें इच्छा है, न उनमें द्वेष है, न प्रयत्नवत्ता है। यतः आत्मा इच्छावान है, द्वेषवान है और प्रयत्नवान है, अतः चितिमत्ता आत्मा को मानना पड़ेगा। यदि आत्मना आत्मा चेतनः न स्यात् तदा इच्छा द्वेष प्रयत्नवान न स्यात्। यदि आत्मा चेतन नहीं होगा तो चेतन का जो धर्म, चेतन धर्म इच्छा द्वेष प्रयत्न है, वो आत्मा आश्रित नहीं होंगे, आत्मा में आश्रय उनका नहीं होगा। अतः आत्मा को चितिमत्ता, चितिमत्ता कथम इच्छा द्वेष प्रयत्नवत्वा, इच्छावत्त है, इच्छावान आत्मा है, द्वेषवान आत्मा है, प्रयत्नवान आत्मा है, अतः आत्मा में चितिमत्ता स्वीकार करना होगा। जब चितिमत्ता है आत्मा में तो आत्मा चेतन है, अतः स्यात्। और दूसरी बात, जो चेतन है, दो ही प्रकार के पदार्थ हैं उनके यहाँ, चेतन पद से स्वप्रकाश न लेकर के एक चेतन है और एक जड़ है। चेतन जो पदार्थ है वही कर्म का कर्ता और कर्म के जन्य अदृष्ट का भोक्ता होता है। स्या धर्मा धर्मयोः कर्ता, यतः आत्मा इच्छा द्वेष प्रयत्नवान है, चेतन है, अतः सुकृत और दुष्कृत का कर्ता है, तथा सुकृत दुष्कृत जन्य जो फल हैं उसका भोग है, भोक्ता है। क्यों भोक्ता है? क्योंकि जिसने कर्म किया उसी को फल भोग होता है। कर्म का फल सुख या दुख है, सुकृत का फल सुख, दुष्कृत का फल दुख है। यतः सुख दुखादिमत्ता आत्मा में ही होती है, अतः आत्मा को ही कर्म का कर्ता मानना होगा, क्योंकि यदि भोक्ता है, जो भोक्ता होगा वही कर्ता माना जाता है। अतः आत्मा कर्ता है कर्म का, कर्ता यदि कृति नहीं है, इच्छा द्वेष आदि नहीं है, तो कर्ता हो नहीं सकता। इस प्रकार से आत्मा में चेतन व्यवहार होगा, परंतु चिद रूपता, प्रकाश रूपता आत्मा में नहीं है। यहाँ पर चेतन और चिद रूपता दोनों पदार्थ भिन्न हैं।
चिद रूपता का अर्थ है स्वयं स्वप्रकाश रूपता, स्वयं स्वप्रकाश रूपता नहीं है, परंतु चेतनवत्ता का अर्थ है इच्छा द्वेष प्रयत्नवत्ता। तो इच्छा द्वेष प्रयत्नमान आत्मा है, इसलिए आत्मा चेतन है, परंतु उस आत्मा को आप चिद रूप स्वयं स्वप्रकाश रूप नहीं कह सकते हैं। यथात्र कर्मवशतः कदाचित्कम सुखादिकम तथा लोकांतरे देहे कर्मणा इच्छादि जन्यते। ननु आत्मनो विभुत्ते लोकांतर गमनादिकम कथम घटतीति आशंके अस्मिन् देहे कर्मवशाद् इच्छादि उत्पत्तौ सत्याम। अब बात यह है कि यदि आत्मा व्यापक है तो व्यापक जिस प्रकार से व्यापक आकाश का कहाँ गमन होगा, क्योंकि गमनागमन व्याप्य पदार्थ का होता है। जो जिस देश में नहीं है उस देश में जो उसका संयोग होगा तब उसमें गमनवत्ता कहेंगे। जैसे कोई विद्यालय में है तो उसको घर जा रहा है, माने घर में नहीं है। घर से यदि कोई विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय में नहीं है, परंतु आत्मा यदि व्यापक है तो लोक लोकांतर में भी, जिस प्रकार इस लोक में है तो लोक लोकांतर में भी है, तो उसका गमनागमन कैसे होगा। उसमें कह रहे हैं कर्मवशतः कदात्किम सुधा सुखादिकम। कहा आत्मा के ही धर्म सुख दुख हैं, परंतु सर्वदा न सुख रहता है न सर्वदा दुख रहता है। किसी समय पर कर्मवशात जब सुकृत कर्म फलोन्मुख हैं तो सुख होगा, जब दुष्कृत कर्म फलोन्मुख हैं तो दुख होगा। तो दुख और सुख के जो कारणभूत प्रारब्ध कर्म हैं सुकृत दुष्कृत, उनके उदय अनुदय से सुख दुख की उत्पत्ति होती है। तो जिस प्रकार से कर्म बसात ही किसी काल में सुख किसी काल में दुख होता है, तथा लोकांतरे देहे कर्मणा इच्छादि जनते, उसी प्रकार से लोकांतर देह में भी, जो लोकांतर अन्य लोकों में जो ये देह हैं वो देह कर्म इच्छादि जन्यते, इस देह में कर्म इच्छादि की उत्पत्ति होती है। अथवा ये कहना चाहिए कि यही कर्म बसात लोकांतर में देह प्राप्ति और देह प्राप्ति हो जाने पर उस कर्मानुसार उस लोकांतर में जैसा लोकांतरीय कर्म है, लोकांतरीय भोग साधन कर्म है, उस साधन कर्म बसात लोकांतर में सुख दुख होता है। क्योंकि यही नहीं है कि लोकांतर में सुख ही होता है, लोकांतर में दुख भी होता है। जैसा पुराण आदि में कहा गया है कि नरक, नरक माने दुख और स्वर्ग, तो ये स्वर्ग या नरक ये दोनों लोकांतर हैं। लोकांतर का मतलब अन्य लोक, एतत् भौतिक शरीरातिरिक्त शरीर उपभोग्य, जो लोक है उसी को नाम लोकांतर है। लोच्यते इति लोकः, जो उपभोग्य योग्य है उसी का नाम लोक है। तो एतत् लोक माने इस भौतिक शरीर उपभोग लोक, और इस भौतिक शरीर से जो उपभोग्य नहीं है वो लोकांतर है। उस लोकांतर में उस लोकांतरीय भोग जो कर्म है, भोगीय कर्म है, तद बसात लोकांतर के भोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए
ये प्रकरण चला कि छिन्ने पुणे मृत्युलोकमा विसन्ति स पुनरहि वर्तते। तो जब सभी कर्मों का उपभोग होने के बाद इसमें आता है, तो उपभोग आने के बाद जब इस लोक में आएगा तो वो लोक, इस लोक में जो आना है, शरीर आदि की प्राप्ति है, वो भी तो कर्म का फल है। तो जब स्वर्ग में ही सभी कर्मों का उपभोग हो गया, तब कौन से अब कर्म रह गए जो पुनर्जन्म होगा? तब वहाँ पर लिखते हैं कि जो स्वर्गीय जो कर्म हैं, माने जो परलोकीय सुख साधन, सुख दुख के कारण जो कर्म हैं, उन कर्मों से जायमान जो परलोकीय जो सुख दुख हैं, उनको उपभोग करने के उत्तर में पुनः जो उत्तर जन्म के कारणभूत प्रारब्ध कर्म हैं, उन प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, तदनुसार उसको उनका उपभोग होता है। यहाँ पर ये भी ध्यान देना चाहिए कि कोई कोई जो नास्तिक लोग हैं, कहते हैं कौन सा है स्वर्ग या कौन सा है लोक। आज तक जितने लोकों का वर्णन हो रहा है, उनको वैज्ञानिक लोग चिंतन कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। चंद्रलोक है, इस समय पर मंगल लोक में भी पहुँच रहे हैं। ये कौन सा लोक है जो स्वर्ग लोक और नरक, जो नरक लोक पर लोक कहा गया है, ये कौन सा लोक है, ये आक्षेप करता है। उनका समाधान देना होगा तो आप बता उनसे ही पूछिएगा कि चंद्र लोक मंगल लोक के समान स्वर्ग लोक नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोक को आदृष्ट कहा गया है। तो कितना भी विज्ञान बढ़ जाए, परंतु वो विज्ञान आदृष्ट जो इंद्रिय गम्य नहीं है, उस इंद्रिय जो गम्य नहीं है, प्रत्यक्ष विषय जो नहीं है, उसका अन्वेषण विज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता। न्याय दर्शन में परमाणु को इंद्रिय गम्य कहा गया, उस परमाणु को इंद्रिय गम्य परमाणु के खोज में, पहले चर्चा आप लोग पढ़े ही हैं अखबारों इत्यादि में, अरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद अंतिम में उस कण को इन्होंने माना कि कोई इतना सूक्ष्म कण है जो इंद्रिय वेद्य नहीं है, और उसी कण से, उसी परमाणु से कार्य रूपता की, द्रव्यों के कार्य रूपता में परिणति हुई है। तो कैसा परमाणु है इसका वो खोज नहीं कर पाए, बल्कि हमारे दार्शनिकों ने, जिन्होंने परमाणु को स्वीकार किया, उस परमाणु को रूपवत, रसवत, गंधवत माना है, क्योंकि परमाणु के ही जो गुण हैं उद्रणकादि क्रम से कार्यों में उत्पन्न होते हैं, अतः परमाणु में गुणवत्ता भी स्वीकार किया है, परंतु प्रत्यक्ष गम्यता नहीं स्वीकार किया। वो परमाणु प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। तो जब परमाणु प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, उसके खोज में इतना द्रव्य व्यय होने के बाद जब उसके स्वरूप का आप निर्धारण नहीं कर सके, तो जिसको शास्त्र स्वर्ग लोक को या नरक लोक को बताता है कि वो अदृष्ट है, वो एतद शरीर भोगी नहीं है, तो उसको आप कैसे सोचेंगे कि कोई लोक उसके लिए अलग है, अपितु
स्वाप्निक पदार्थों का उपभोग आप लोग स्वीकार करते हैं, वो क्या है स्वाप्निक पदार्थ जिसका उपभोग स्वप्न में होता है, उसी प्रकार से वो अदृष्ट है। स्वाप्निक पदार्थ का उपभोग भी अदृष्ट है। उसी प्रकार से एतत जो शरीर है, भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर द्वारा उपभोग्य ना होने, उपभोग योग्य ना होने वाले जो सुख दुख के साधन हैं, उपभोग हैं, तो वो उपभोग्य पदार्थ भी और वो अत्यंत सूक्ष्म हैं, अतः उनका दिग्दर्शन नहीं हो सकता। अतः उसके लिए जब दिग्दर्शन ही नहीं है तो प्रत्येक प्राणी का जो स्वर्ग है और जो नरक है, जो परलोक है, वो भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक प्राणी के कर्म से जायमान होने के कारण उसको एक समुदित लोक न कह करके प्राणी बसानु प्राणी के कर्मानुसार एतद शरीरातिरिक्त शरीर से जो सुख दुख का भोग होता है उसी का को लोकांतर कहते हैं। वो लोकांतर सुख दुख भोग के लिए कर्म बसात तत्तद शरीरों की उत्पत्ति होती है। पुराण आदि में रौरव आदि नरकों का जो वर्णन है, वो वर्णन देखा नहीं गया तो कैसे हुआ कहा, वो तो एक भय रूपता दिखाने के लिए बताया गया कि दुख होता है, वो दुख जो है नरक है। अब वो नरक कितने कितने कठिन दुख आपको भोगना पड़ेगा तो पुराणों में उसका वर्णन किया। वो अवश्य भोग्य है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। अब यदि देखा नहीं गया तो उसका वर्णन कैसे हुआ कहा, वो वर्णन यही तो सभी शास्त्रों का, वेद उपनिषद आदि शास्त्रों का यही वैशिष्ट्य है कि जो लोक दृष्ट नहीं है उसका जो प्रतिपादन करना शास्त्रों का वैशिष्ट है। अतः वो जो लोकों के दुखों का वर्णन किया है तो शास्त्रों के द्वारा किया, शास्त्र कहता है, मनुष्य दृष्ट न होने पर शास्त्र प्रमाणित है, अतः लोक लोकांतर की स्थिति सर्वमान्य है। एवं च सर्वगतस्यापि संभवेत ताम गमागमौ कर्मकांडः समग्रोत प्रमाणमिति ते अवदन। कहा इस प्रकार से जो सर्वगत आत्मा है वो कर्म बसात स्वस्व कर्म बसात उसका गमनागमन होता है। तो गमनागमन तीन प्रकार के शरीर हैं, कारण शरीर है अविद्या, अपंचीकृत महाभूतों से जायमान पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 अवयव वाला सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, क्यों? नाश तो सावयव पदार्थ का होता है, वो निरवयव है, पंचीकृत नहीं है, इसलिए पंचीकृत ना होने के कारण उस सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता। तो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर का नाश प्राण वियोग हो जाने पर, इस शरीर से प्राण का वियोग हो जाने पर, प्राण का विच्छेद हो जाने पर, उस इस भौत जो स्थूल शरीर है, अन्नमय शरीर है, इसका नाश हो जाता है। पर जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर स्वकर्म वसात लोक लोकांतर का गमन करता है, जो श्रुतियों में उसका निर्धारण है, उसी क्रम से उपभोग के उत्तर काल में उसका पुनरावृत्ति भी बताई गई है।
इसलिए कर्म कांड इसमें संपूर्ण जो कर्म कांड है, जो पूर्व मीमांसा भाग है, वेद का जो पूर्व भाग है, वही इसमें प्रमाण है कि सर्वगस्य सर्वव्यापक जो आत्मा है, वो सर्वव्यापक जो आत्मा है, वो जो सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि है, उस उपाधि बसात गमनागमन होता है। जिस प्रकार से दृष्टांत में लेंगे, जिस प्रकार से आकाश, आकाश तो सर्वव्यापक है, परंतु घटादि उपाधि से उपहित जो आकाश है, उसमें गमनागमन व्यवहार होता है। घट को लेकर के आप चलेंगे तो आकाश के सर्वव्यापकता होने पर भी एतद देश देशी घटाकाश, तद देशी घटाकाश, जिस देश में घट को ले जाएंगे, उस देश में घटाकाश का गमन व्यवहार होता है। उसी प्रकार से जो आपका ये सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि से अवच्छेदवाद हो या प्रतिबिंबवाद हो या आभासवाद हो, तीनों वादों में जहाँ जहाँ सूक्ष्म शरीर जाएगा, वहाँ पर चित्त का प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंबवाद मानते हैं, यदि आभास मानते हैं, तो तत्त्व देश में आभास, अथवा अवच्छेदवाद मानते हैं तो तद्व्यापक आत्मा को तत्त्व देश में अवच्छिन्न हुआ उस सूक्ष्म शरीर से, तो वो सूक्ष्म शरीर के गमनागमन से और आत्मा का गमनागमन कहा जाता है। अन्यथा स्वर्ग कामो ज्योतिष्टो मेन यजेत, यदि स्वर्ग कोई भोग नहीं है और उस तो उसकी कामना से ज्योतिष्टोमादि याग का यजन तथा ज्योतिष्टोमादि का याग का जो फल है, वो फल का कथन निरर्थक होगा। यतः श्रुति कहती है, अतः श्रुति स्वतः प्रमाणभूत है, वो कोई मनुष्य वाक्य नहीं है, अतः श्रुति प्रमाण बसात हम लोक लोकांतर की भी स्थिति मानते हैं। आनंदमय कोशो यह सुसुप्तौ परिशिष्यते, अस्पष्ट चित सा आत्मयेषां पूर्व कोशो अस्यते गुणाः। बात पूर्व में आई थी, अन्यो विज्ञानमयात आनंदमय आत्मा, विज्ञानमय से आनंदमय आत्मा भिन्न है। आनंदमय को आत्मा कहा है, वो आनंदमय जो है सुषुप्ति कोश है, सुषुप्ति रूप जो कोश है, जहाँ पर विद्या विद्यमान है, उसको आनंदमय कोश कहा जाता है। उसमें आनंदमय कोश यह सुसुप्तौ परिशिष्यते, परिशेषा सुसुप्तौ मन्यते। सुसुप्ति में जागरण काल में अन्नमय शरीर भी है, प्राण भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, परंतु स्वप्न काल में इंद्रियां नहीं रहती, अन्नमय शरीर नहीं रहता, मन रहता है, मन का परिणाम होता है। और सुसुप्ति काल में मन भी का भी परिणाम नहीं रहता है, परिशिष्यते है। सुसुप्ति में आनंदमय कोश का ही परिशेष रहता है, परिशेषता केवल आनंद रूपता की रहती है। क्यों? आनंद रूप आत्मा है, अब वो स्वयं जीव है, परंतु वो स्वस्वरूप का भान आत्मा को इसलिए नहीं हो पाता कि देह इंद्रियादि के अध्यास बसात शरीर विषय वृत्ति
इंद्रिय विषयक वृत्ति मन बुद्धि विषयक वृत्तियाँ होती रहती हैं, तो आनंद रूपता जो स्वयं आनंद रूपता है तद रूप वृत्ति नहीं होती। सुषुप्ति काल में मन का परिणाम जो वृत्ति है वो अवरुद्ध हो जाती है, अतः आत्मा स्वस्वरूप का अनुभव करता है, परिशेषतः आत्मरूपता रहती है। कोश क्यों कहा जाता है? केवल अविद्या विद्यमान है। अविद्या जन्य जो अन्य पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, अपंचीकृत या पंचीकृत जो द्रव्य हैं, उनका स्वरूप भान न हो करके वो अविद्या आत्मा को ही विषय करती है। आत्मा सुख स्वरूप है, इसलिए सुषुप्तौ आनंद कोशः आनंदमय कोशः परिशिष्यते। वो आनंदमय कोश अस्पष्ट चित्त सा आत्मा, वहाँ पर आत्मा तो है परंतु अस्पष्ट चिद रूपता आत्मा की नहीं है। अस्पष्ट चिद रूपता क्यों नहीं है? क्योंकि अविद्या की विद्यमानता है। अतः अविद्या विद्यमानता दशा में आत्मा आनंदमय कोश इसलिए कहलाता है, आनंद रूप नहीं कहलाता सुषुप्ति कालीन आत्मा में, क्योंकि अविद्या विद्यमान है इसलिए अस्पष्ट चित रूपता है आत्मा। ऐसा पूर्व कोशो अस्य ते गुणाः, अपूर्व कोश जो आत्मा के में जो पूर्व में कोश हैं, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, वो आत्मा के गुण हैं। और ये जो सुषुप्ति में आनंदमय कोश है ये आत्मा का गुण नहीं है अपितु अस्पष्ट चित स्वरूपता है, इसीलिए ये विज्ञानमय कोश से भी आनंदमय कोश को श्रेष्ठ कहा गया है। सुषुप्तो स्पर्शित यह आनंदमय कोश परिस्थिति सा पूर्व कोश सौतेषु पंचकोशेषु प्रथम येषा प्रभाकरादीनाम आत्मा। अब पूर्व कोशो वसत यही अस्पष्ट चिद आत्मा को जो है प्रभाकर मानता है। प्रभाकर कहता है न चिद रूप अस्पष्ट चित, जहाँ पर प्रकाश की अस्पष्टता नहीं है, तो जो सुषुप्ति में अस्पष्ट चिद जो आनंदमय कोश परिशेष है सा पूर्व कोश, जो पूर्व में जो आपके यहाँ कोश कहा गया है वही आत्मा है। श्रुतियों में पंच कोशों में जो प्रथम कोश है उसी को प्रभाकरादि आत्मा कहते हैं, और जिसके इसी आत्मा के आनंदादि जो हैं वो गुण हैं। पूर्व कोश अस्य ते गुणाः, ते जो आनंदमय प्राणमय और मनोमय जो आत्मा है वो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आदि जो आत्मा है वो इसी अस्पष्ट चित्त सुषुप्तिकालीन आत्मा के गुण हैं। गूढ़ चैतन्यम उत्प्रेक्ष जड़बोधस्वरूपताम आत्मनो ब्रुवते भाटाः चिद उत्प्रेक्षो तिथस्मृते है। अब भाट्य जो मीमांसक हैं, कुमारिल भट्ट सिद्धांता के कुछ सिद्धांत को स्वीकार करने वाले जो हैं वो भाट्य मीमांसक हैं, उनके मत में क्या है? वो कहते हैं आत्मा चिदचिद रूप है। कैसे चिदचिद रूप है? तो गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष
जड़बोधस्वरूपतां आत्मनो ब्रुवते भाटाः चिद उत्प्रेक्षोतितः स्मृतेः गूढ़ अस्पष्टम चैतन्यमुत्प्रेक्ष ऊहित्वा चिद जड़ो भयात्मकता वर्णयन्ते। कहा जो गूढ़ है, जो स्पष्ट, जिसकी चेतनता नहीं है, उसकी उपेक्षा करके, गूढ़ माने जो अस्पष्ट नहीं है, ऐसा जो चैतन्य है, जड़ बोध स्वरूपताम, और क्या मानते हैं उसको, जड़ बोध स्वरूपता है, जो उसका अस्पष्ट चैतन्य है, गूढ़ स्पष्ट चैतन्य है, उससे अतिरिक्त उसमें जड़ बोध स्वरूपता है, जड़ ज्ञान, ज्ञान जड़ रूपता भी है उसमें, और अस्पष्ट चैतन्य रूपता भी है। तो जड़ बोध स्वरूप भी है, इसलिए अचित है, अस्पष्ट चैतन्य रूपता है, इसलिए भाटाह जो कुमारिल भट्ट मत का अनुसरण करने वाले हैं, चिद उत्प्रेक्षोत्थित स्मृते है, उत्थित स्मृते है चिद उत्प्रेक्षा भवति, सुप्ते उत्तस्य जायमानात् स्मरणात् सुसुप्ते चैतन्यस्य उत्प्रेक्षा भवति। अच्छा, चित उत्प्रेक्ष उत्थित स्मृते है, सुसुप्ति से जो जागरण काल में आया है उसको स्मृति होती है। क्या स्मृति होती है? सुखा महाम स्वापसम, ये प्रतीति होती है। तो सुख रूपता आत्मा की है तो वो स्वस्वरूप की प्रतीति होती है, परंतु जड़ बोध रूपता भी है। ना किंचित वेदिसम, तो जड़ रूपता भी प्रकाश रूपता भी दोनों स्वरूपों के अस्मृति सुसुप्ति से उठे हुए पुरुष को होती है, और ये स्पष्ट है कि सुसुप्ति में अन्य कोई विषय नहीं रहते। अन्य विषय न रहने के कारण सुसुप्ति में जिसका भी अनुभव हुआ है वो है आत्मा, और उसमें सुख रूपता का भी भान हुआ। अन्ना वेदिसम, मैं कुछ नहीं जाना, ये जड़ रूपता का भी भान हुआ, इसलिए आत्मा चिद रूप और अचिद रूप है, क्योंकि सुसुप्ति कालीन जो भान है वो न तो संस्कार आत्मना विद्यमान स्वाप्निक पदार्थों का भान है, न तो भौतिक पदार्थों का भान है, अपितु वो जो भान है वो आत्मस्वरूप का भान है। उसी का उत्तर में यदि स्मृति होती है, और उस स्मृति में चिद रूपता चिद रूपता दोनों भान यदि हैं, तो आत्मा चिद रूप और अचित है। जड़ो भूत्वा तथा स्वापसम इति जाड्य स्मृति है, बिना जाड्यानुभूतिम ना कथंचित उपपद्यते। तो यदि जड़ रूपता नहीं मानेंगे तो सुसुप्ति काले जड़ो भूत्वा अस्वापसम इत्येवम् जाड्य अस्वापसम
तो अस्वापसम जब कहेंगे तो आत्मा में जड़ रूपता के बिना स्वाप संभव नहीं है, इसलिए जाड्य स्मृति है। अस्वापसम सुखम अहम अस्वापसम सुख रूपता है। अब बिना जाड्यानुभूति के तब जाड्य यदि आत्मा में नहीं है तो अस्वापसम ये अनुभूति नहीं होगी, ये स्मृति नहीं होगी। अतः आत्मा में जड़ रूपता है, उस जाड्य का अनुभव सुसुप्ति काल में हुआ, इसीलिए अस्वापसम यह प्रतीति हुई, क्योंकि बिना जाड्य अनुभव के यह प्रतीति नहीं हो सकती है। तथा दृष्टो दृष्टे आलोपस्य श्रुतः सुप्तौ तथस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा खद्योत्वत् तथा। दूसरी बात, सुसुप्ति में चैतन्य का लोप भी नहीं, क्यों? प्रमाण है, नहि दृष्टो दृष्टे विपय लोपे विद्यते अविनाशित्वात्। इस श्रुति में दृष्टा स्वरूप जो आत्मा है उसकी स्वरूप भूत जो दृष्टि है, दृष्टि चिद्रूपता का लोप नहीं है, क्योंकि विनाशील नहीं है। अतः दृष्टु दृष्टे आलोपस्य श्रुतौ सुप्तौ, सुसुप्ति कालीन ये अवस्था को, सुसुप्ति अवस्था को परिलक्षित करके यहाँ पर कहा गया है। अतः दृष्टा स्वरूप आत्मा की दृष्टि का जो विपरिलोप नहीं होता तो वो दृष्टि क्या है? चिद्रूपता है आत्मा के, जिसका परिज्ञान सुसुप्ति काल में होता है, इसलिए आत्मा सुतः सुप्तौ ये आत्मा सुसुप्ति कालीन आत्मा को परिलक्षित करके ये कहा गया है। इसलिए अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा में जाड्य रूपता भी है, अब आत्मा में प्रकाश रूपता भी है, इसलिए खद्योत के समान। जिस प्रकार से खद्वेत जो कीट है उसमें प्रकाश रूपता जड़ रूपता दोनों हैं, उसी प्रकार से आत्मा में प्रकाश रूपता जड़ रूपता चिद रूपता अचिद रूपता ये दोनों हैं, ऐसा प्रभाकर।